अमिताभ को 37 साल पहले आज के दिन ही मिली थी दूसरी जिंदगी, शेयर की इमोशनल पोस्ट। 37 साल पहले आज ही के दिन अमिताभ बच्चन को नया जन्म मिला था। फिल्म कुली के एक एक्शन सीन को शूट करते समय अमिताभ बुरी तरह घायल हो गए थे। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु में हो रही थी। ये हादसा एक्टर पुनीत इसर के साथ फाइट सीन शूट करने के दौरान हुआ था। उसी समय बेबी के पेट में स्टील की टेबल का कोना लग गया था। इस हादसे में अमिताभ को गंभीर चोट आई थी। घटना के 37 साल बाद बिग बी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद कहा है। अमिताभ का कहना है कि फैंस की दुआओं, प्यार और सपोर्ट की वजह से उन्हें नया जीवन दान मिला। बिग ने लिखा, बहुत से लोगों ने इस दिन को दुआओं, प्यार और इज्जत के साथ याद रखा होगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं धन्य हूं कि मेरे पास इस तरह के उत्तम विचार रखने वाले लोग हैं। यही प्यार है जो हर दिन मुझे संभालता है। यह एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। फैंस 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन के दूसरे बर्थडे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। यही वो दिन था जब हादसे के कई महीने बाद बेबी की तबीयत में सुधार आया था। अभिषेक बच्चन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था, 1982 में कुली के हादसे के बाद मैं अपने पिता से हॉस्पिटल में मिलने गया था। वो मशीन पर थे, उनके हाथ में ड्रिप्स थी। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए पतंग लाए हैं। मैं तब 6 साल का था। वो जिंदगी से लड़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि पापा मुझे पतंग से खेलने क्या नहीं दे रहे। बता दें कि बिग बी का 2 अगस्त को दोबारा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें करीब 3 घंटे लगे थे। तब लोगों ने उनकी सलामती के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों में जाकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी।